हेलो एवरीवन, अभी जो है एंटी है आपके लिए एक और सरप्राइज लेकर आई है। गुरुपुर के मौके पर आपको बहुत से सरप्राइजेस मिल रहे हैं। सुबह लगभग 3 बजे शाम को आपकी आंसर कीज आ चुकी थी, फाइनल आंसर कीज, और अब जो है वो आपकी कट ऑफ भी आ चुकी है। यस, कट ऑफ जो है वो आपके सब्जेक्ट्स की आ चुकी है। अब देखो, आपने मार्क्स अगर फाइनल कीज के अकॉर्डिंग आपने अपने मार्क्स काउंट कर लिए तो आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं कि आपका नेट या JRF जो भी क्लियर है। लेकिन अभी भी 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कॉमर्स, इंग्लिश एंड हिंदी, जिसकी कट ऑफ जो है वो परसेंटाइल की फॉर्म में दी गई है, 95, 96। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 96% आपको चाहिए। इसका एक अलग सिस्टम बनाया गया था कि जब भी आप, जब आपकी जैसे कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम जो वो 2 शिफ्ट के अंदर हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। तो अब ये भी हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट वाला का पेपर इजी रहा हो और सेकंड शिफ्ट वाला का जो है वो उसके अकॉर्डिंग टफ रहा हो, या फर्स्ट शिफ्ट का टफ रह गया और सेकंड शिफ्ट का इजी रह गया हो। तो उस पोजीशन में नॉर्मलाइजेशन का एक मेथड यूज किया गया था जिसके अंदर परसेंटाइल के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाला जाएगा। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर एग्जाम दे रहे थे तो उनकी परसेंटाइल कितनी बनती है उसके अकॉर्डिंग जो है आप उनका कट ऑफ निकाला जाएगा। लेकिन अब जो है वो आप खुद नहीं ये डिसाइड कर सकते, खुद नहीं ये चेकआउट कर सकते कि आपका नेट या JRF क्लियर है या नहीं है। आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा 3 सब्जेक्ट्स वालों को। उसके अलावा जिनकी भी कट ऑफ आ चुकी है वो जल्दी से कट ऑफ चेक करो। कट ऑफ किया जो डाउनलोड लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो जल्दी से उसे चेकआउट करो और जल्दी से अपना रिजल्ट जो है वो बताओ कि आपका नेट JRF कैसा रहा इस बार। ओके, लेट्स सी, बेस्ट ऑफ लक।